सेठी इज लव ब्रो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है वाणी टॉक्स। सो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप फेसबुक पेज पर भी नए हैं और फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके जाना। तो यहाँ से जो है ना वो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय और फिर यहाँ से रोटी है गिरदे अफान, और यहाँ से जो है ना वो इसमें सत्तू है लेकिन ख़त्म हुआ है, मैं खाता है नहीं हूँ, बट ये मैंने यहाँ ला के रखा था। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ और आप सबको बताता हूँ कि मैं ना कल रात आया था कहाँ, कलर शोपयान में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर मैं यहाँ ही रिलेटिव के यहाँ रुका, स्टे किया रात को यहाँ। तो फिर रात को जो मुझे यहाँ सर्दी लगी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बिकॉज केलर साइड जो है ये लहरा आता है और यहाँ बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी टाइम आ गया है 9:30, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं, बिकॉज हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है क्योंकि इवेंट 2-3 हमको अटेंड करने हैं आने वाले दिनों में। हाँ जी, तो चाय शाय पी के हमने ख़त्म किए, तो अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ और बाहर धूप तो है लेकिन धूप के साथ सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं क्या ही बताऊँ, कितनी भयानक सर्दी है इधर से, भयंकर वाली सर्दी है। मैं सोच रहा हूँ जब दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, मतलब चलाई कलान का मौसम आएगा, चलाई कलान आएगा, तो तब यहाँ से कितनी सर्दी होती होगी। लेकिन क्या करें, मतलब गर्मी का इंतज़ाम भी यहाँ से वैसा ही होता है, लाइक बुखारी, हमाम और एक्स्ट्रा बाकी बहुत कुछ। सो अभी ना सर्दी मुझे लग रही है उससे ज़्यादा। तो ये देख सकते हो मौसम ऐसे जो है ना वो बहुत ही साफ है, लेकिन जो भी 4 बजते हैं ना तो यहाँ सभी इस हिली एरिया में जो है ना वो धुंध छाती है। गौर से देखिए इस बंदे को। इश्फाक भाई, इश्फाक भाई जरा इधर देखो, देखो ये है इश्फाक भाई। अभी मैं जो ना वो इनके हाउस के मतलब सेकंड फ्लोर पे आ गया, ये नया ही इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इन्होंने मुझे बोला कि अब देखो कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा था ना यहाँ से सर्दी है, विंटर के लिए ये जमा करके रखा है, क्योंकि ये इनको जो है ना लकड़ियाँ विंटर के लिए लगती है। यहाँ ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 फुट 2 फुट 3 फुट भी बर्फ़ होती है, मतलब मैक्सिमम तो 3 फुट ही बर्फ़ होती है इस एरिया से, कलर साइड से, और जिसकी वजह से इनको लकड़ियाँ जमा करनी पड़ती है और फिर वही मतलब चूल्हे में जलाते हैं ये, लाइक उससे धान एक्स्ट्रा था या बुखारी होती है उसको। हाँ जी, तो इसी के साथ मैं क्या बोलूँ आपको, मैं आया हूँ कहाँ, एक्सपोर्ट शॉप का नाम है, अभी मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे एक्चुअली उमर भाई ने यहाँ भेजा, तो क्या है कि आप सबको बताया इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि 1 साल के बाद हम शॉपिंग कर लेंगे, कोई आउटफिट लाते हैं खुद के लिए। वैसे तो मुझे ब्लैक ही कलर सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे रंगीन कलर पसंद नहीं है। सो इसलिए हम आ गए सर जी के पास। सर जी इधर से, अस्सलाम वालेकुम सर, अब ठीक सर? ठीक। तो एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स शॉप का नाम है, तो यहाँ आपको जो है ना वो बेस्ट तरीके के डिज़ाइनर्स आउटफिट्स मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले आउटफिट में कुछ लूँ, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए हमको। बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा? हाँ, वैसे आपको बता दूँ कि यहाँ जो है ना वो ओरिजिनल आइटम्स होते हैं ना, ओरिजिनल आइटम, और ओरिजिनल आइटम में फिनिशिंग नहीं होती है, लेकिन माल जो है ना वो कड़क होता है, फर्स्ट कॉपी होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पसंद क्या किया। पसंद मैंने किया इधर से ये, इसको क्या बोलते हैं सर, शेरपा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया और ख़ासकर ओरिजिनल आइटम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, तो अभी हम आ गए हैं विथ वन एंड ओनली माय फेवरेट होस्ट एंड माय
फेवरेट रेडियो जॉकी आरजे मुरसल के साथ। तो आरजे मुरसल जो है ना वो श्रीनगर से आ गए, तो इन्होंने बोला इकट्ठे जाएंगे। पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि हम ना अगली सुबह मिल रहे हैं, मतलब अगली सुबह नेक्स्ट डे। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं कहाँ की ओर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोभान की ओर। और हमारे साथ है इधर से बासित भाई, देख सकते हो इधर से बासित भाई। और बासित भाई जो है ना वो भी इवेंट में इन्वाइट है। तो मुसल भाई का आउटफिट बहुत ही बढ़िया है, मतलब मुझसे थोड़ी थोड़ी मैचिंग हो रही है, थोड़ी है ना। आप जितना बढ़िया, ओ यार मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, यू आर लेजेंड ब्रो, यू आर लेजेंड। मतलब देखो यार होस्ट कौन कर रहा है शो, अगर ये नहीं आ रहा ना तो मे बी आई विल ऑल्सो जस्ट उधर इधर होता, बट ये होस्ट करा बिकॉज इसकी होस्टिंग को ना अलग ही लेवल का मजा होता है। सो हाँ जी, तो अभी हम ऑडिटोरियम में एंटर हो रहे हैं, बैक स्टेज आने। चलो अभी हम आ गए हैं बैक स्टेज। अभी हम है कहाँ इवेंट में, और यहाँ से आप अफाक हैं, यहाँ से हैं सईद तजमल। लाइट थोड़ी यहाँ कम है, बस आप मैनेज कर लेना। बाकी हाउ इज गोइंग ब्रो? मैं खास कर यहाँ आया आपको पता है किसके लिए, आपका और आपका जुगलबंदी देखने के लिए, आपकी जुगलबंदी देखने के लिए। ये ना आग लगा देंगे इंशाल्लाह। और ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, क्राउड भी बहुत ज्यादा है। लगा था तजमुल के मतलब इतनी ऑडियंस है, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। लेकिन यहाँ जो है ना वो टिकट्स कम पड़ रहे हैं ना, मुझे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर जो है ना फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि टिकट्स बताओ। चलो कोई बात नहीं, बाकी अब ये देखो यार क्राउड, ह्यूज क्राउड है यार। तेरा भाई आया है कौन काश, कश्मीरी मैन टॉस ऑन स्टेज। कितने लोग हैं जिनका सर्वे मानी है? आपके घर में कोई बात नहीं करता है कितना बोलता करता है वानी टॉक्स वानी टॉक्स, पर यही एक वानी है जो बात करता है। हम लोग सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये अस्सलाम वालेकुम क्या होता है? तो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा यार सभी जगह वो इंट्रो करते हैं तो मैं भी कुछ अलग करता हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि कुछ करो अच्छा सा, तो मैं बोला चलो मैंने एक दो ब्लॉग उसको देखा, तो तब जाके मुझे आया कि जब ऑन करते हैं ना ऐसे कैमरा लेंस पर आ सकते हैं ऐसे, तो फिर ऐसे मुझे शिकायत है बहुत ही खतरनाक शिकायत, सिर्फ आपको नहीं है मुझे शिकायत बहुत सारे लोगों, अरे कुछ तो लोग कहेंगे वो तो पता ही है लोगों का काम है कहना। आपके व्लॉग्स आप कश्मीर से कन्याकुमारी गए, आपने वो बिना पैसों के गए जोरदार ताली है, ये बिना पैसे के जाना मतलब या तो मैंने इससे सीखा है या मैंने यामिन से सीखा है। Yeah.
कश्मीर फर्स्ट व्हीलचेयर बाउंड इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। मैं पहले से ही ऐसी नहीं थी व्हीलचेयर पे, मेरा 2016 में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। एक्चुअली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा क्राउड होगा, तो बहुत अच्छा लगा आपका प्यार। मुझे ज्वाइन करेंगे ज्वाइन पहले मैं लाइट ढूंढूंगा लाइट कहाँ है, बिकॉज हम अभी जहाँ है ना वहाँ लाइट तो है, बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन वो छोटी छोटी लाइट्स हैं। तो चलो छोड़ो एक बात, हम आ गए हैं अभी कहाँ है, श्रीनगर विथ सम स्पेशल गेस्ट हियर, वन एंड ओनली तजमल सर। सर कैसे आप? आई लव यू टू ब्रो, सही बात है। बाकी तजमल भाई ने जो है ना आज बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी, बहुत ही बढ़िया। और थैंक यू टू द ऑडियंस ऑफ शोपियान। यस यार, मतलब लगा था नहीं यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऑडियंस होगा, बट शोपियान का प्यार मुझे आज मतलब लिटरली मैं अमेजिंग यार, अमेजिंग। बाकी हम पहुंचे अभी श्रीनगर, तो इन्होंने बोला कि श्रीनगर में नाइट आउट साथ में कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से कौन तजमल सर और वहां से बाइसर अभी सोए हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हुए हैं। बाकी एक और बंदे से मैं मिलवाता हूँ आपको, वो कहाँ है, वो आके ही घुसे कहाँ शौचालय में। मुर्साव कैसा रहे तू? हाँ हम बात ठीक बा, बट निकल बा, होस्टिंग कर रहा है तू बाथरूम में, सिंड्रोम से पीड़ित हो। अच्छा, होस्टिंग सिंड्रोम, लेकिन आज आपने कमाल की होस्टिंग की यार, धन्यवाद। चलो हम मुरसल भाई को शौचालय में जो है ना वो आराम करने देते हैं। बाकी बातें आप सबको बोलता हूँ कि अगर आप सब लोग खुश हो तो हम भी खुश है, और आप सबको ढेर सारा प्यार जो आप लोगों ने आज रेस्पॉन्स दिखाया टूवर्ड्स अस, थैंक यू सो मच उसके लिए। बाकी ये ब्लॉग अब इधर ही जो है ना एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर फॉलो कर देना। एट लास्ट में ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद।